पंचांग के अनुसार होली का त्यौहार हर साल फाल्गुन महीने में मनाई जाती है। इस साल 25 मार्च दिन सोमवार के दिन मनाई जाएगी। एक दिन पहले यानी 24 मार्च को होलिका दहन मनाया जाएगा। होलिका का पर्व रंगों और उत्साह से भरा होता है। लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। यह पर्व साल धूमधाम से मनाया जाता है और इसी दिन कुछ ज्योतिषीय उपाय करने से शुभ फल मिलता है। होली का जो त्योहार है यह सबसे ज्यादा उत्साह के साथ भारतीय हिंदू और सनातनी इस त्योहार को मनाते हैं। रंग का त्योहार है, आपसी प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने का यह त्योहार है। पूर्ण उमंग के साथ व्यक्ति को इस त्योहार को मनाना चाहिए और रंग केमिकल रंग ना हो, जो प्राकृतिक रंग है उन रंग के साथ व्यक्तियों को होली भी खेलना चाहिए। होली का दहन जो होता है उसकी कथा तो सभी लोग जानते हैं। तो होली का दहन हम प्रत्येक वर्ष करते हैं, बुराई का दहन करते हैं। तो बुराई के दहन के प्रतीक स्वरूप होलिका का दहन किया जाता है, लेकिन यह होली की रात में जो होलिका का दहन होता है यह एक विशेष योग रहता है, एक विशेष रात्रि रहती है, महारात्रि रहती है। इस रात्रि में यदि हम कुछ प्रयोग करें तो निश्चित ही हमको लाभ की प्राप्ति होती है। जैसे कि होलिका दहन के पश्चात यदि हम होलिका का पूजन करके 11 परिक्रमा लगाते हैं तो हमारे जीवन के कई संकट दूर होते हैं। यदि किसी भी प्रकार से हम बीमारी से ग्रस्त हैं, नजर हाय से ग्रस्त हैं या किसी प्रकार की आपदा विपदा से यदि हम ग्रस्त हैं तो एक नारियल लेकर के उसको अपने ऊपर से 7 बार उतार करके उस होलिका की अग्नि में समर्पित करना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा जो है वह नकारात्मक ऊर्जा और संकट जो है वह संकट समाप्त होते हैं। इसके साथ ही साथ यदि किसी प्रकार की आपको कोई मानसिक परेशानी चल रही है तो 5 लौंग और 1 कपूर का टुकड़ा लेकर के उसको जलती हुई उस होलिका की अग्नि में डाल करके और वहाँ 1 बार परिक्रमा लगाना चाहिए, जिससे मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। होलिका दहन की जो अग्नि रहती है उस अग्नि में यदि हम किसी घगरे में या किसी पात्र में जल को गर्म करते हैं और उस जल में अपामार्ग अर्थात अद्धा जाड़ा की पत्तियां, नीम की पत्तियां, हल्दी और कुशा डाल करके उस जल से हम यदि स्नान करते हैं तो हमारे शरीर में यदि किसी प्रकार का कोई चर्म रोग है वह चर्म रोग भी दूर होता है। होलिका दहन के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गरीबों को असहाय व्यक्तियों को यथासंभव हमको सहायता करना चाहिए। ऐसा करने से धन आने में यदि किसी प्रकार की रुकावट है वह रुकावट दूर होती है, भगवती लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है और धन लाभ हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे उपाय हैं, इन उपायों को करने से निश्चित ही हमको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और अनेक प्रकार के लाभ या शुभ अवसर प्राप्त होते हैं।